परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बड़कन खिलाया करे, अच्छा गुरु जी। अपनी सिद्धि से उन बच्चों के गोरखनाथ जी ने 10 लगा दिए। अब वो 10 लगे, वो टट्टी करा के लाओ, पहले टट्टी ना होया करती जंगल में आसपास, वहाँ ले जा। एक ने टट्टी करा के लाओ, इतने दूसरा तैयार होया पावे, वो दूसरे रुनता पावे। वो मच्छंदर कहन गया गोरख कि न झटका लिया भाई, तू अच्छी तरह। अब दोनों ले गया कट्ठा ही और पकड़ के चोटी और नो ला दिए सिद्धि थे। वह खाल काट लिया, वो शरीर उड़े गिर रहा, उन्हें नो लटकाया हुआ है। अकेले गुरु जी, अब वो मच्छंदर एक लाठी ठावर एक दर र कसाई र दुष्ट तिमरे बालक मार दिए, तने शर्म नहीं आई, ये के रहा है र जाल में, तू तो बड़ा निकम्मा आदमी। गोरखनाथ ने बोला, गुरु जी आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आपने कितने बालक कितने बच्चों की हत्या कर दी, तो रानी के साथ रहता है, ना जाने कितने बीज नष्ट कर दिया तने, और क्यों कर्म बिगाड़ो हो गुरु जी। मेरी ज़्यादा कहने का फर्ज नहीं बनता, लेकिन आज मैं दुखी आत्मा से आपको कहना चाह रहा हूँ। मच्छंदर को भी पता था कि भैया तेरे हित में ही है, पर उसकी बुद्धि बदल गई, कहने का भाव ये है। तो गोरखनाथ जी ने वो अपनी सिद्धि से राजा के शरीर से निकाला, राजा मर गया। अब वहां पहुंचा जहां शरीर रखा था, वो शरीर पाया नहीं, वो खत्म हो गया, फूक रखा था। अब कहते हैं गोरखनाथ जी ने वो अस्थि उठाई, जो शेष बची, वो फूल बोला करे ना फूल, वो अस्थि उठाई और अपने सिद्धि शक्ति से उसको गोरखनाथ मच्छंदर नाथ का शरीर बना दिया, क्योंकि मच्छंदर नाथ का जीवन अभी शेष था, और वो उसी एज इट इज शरीर बनाकर उसमें वो अपने गुरुजी प्रवेश कर दिया। पुण्यात्माओं आप ध्यान से सुना, तत्व ज्ञान है। जैसे सीता जी को गर्भवती थी सीता जी, घर से निकाल दिया था रामचंद्र जी ने, वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करती थी, और एक दिन वो वहाँ पर इस लव की उत्पत्ति होगी थी। वो छोटा सा था, पालने में झूला करता था, और सीता जी अपने कपड़े भी वाल्मीकि जी के कपड़े भी धोने के लिए दरिया पर जाती थी, और वो बच्चे को वहाँ छोड़ जाती थी और कह जाती थी पिताजी बालक का ध्यान रखना। उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी जो है अपनी साधना में लीन थे, और ये तो वो कहेगी एक बार के, एक बार तो बच्चे को छोड़गी कि पिताजी ये बच्चे को संभालना, मैं कपड़े धो लाती हूँ। तो वाल्मीकि जी साधना करने ही लगे थे, फिर वहाँ जाकर देखा कि गुरु पिताजी ना जाने किस टाइम तक साधना करेंगे, और बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा ना ले जावे, तो वापस आ गई और उस बच्चे को साथ ही उठा लेगी कि वहीं लेटा लूँगी और कपड़े भी धो लूँगी। उस देर के बाद ऋषि जी की अपनी साधना पूरी हुई, खड़े हुए नित्यनेम करके, वो उसने देखा वे लड़की कह के गई थी, बच्चा तो कोई ना। ऋषि जी ने सोचा पहले दुखिया बेटी है और ये बच्चा ना पाओगा ना, रो रो कर मर जाएगी। तो उसने एक डाब कुश, डाब होती है एक तीखे से घास होता है, वो डाब तोड़ी, अपनी सिद्धि से उसको एक बालक बना दिया। जब सीता जी वापस आई और लव को गोदी में लिए हुए आ रही थी, तो सीता जी ने पूछा गुरुजी ये किसका बच्चा है, और समझ गए वाल्मीकि जी अग बेटी आप वाला ही तो है, कि नहीं पिताजी मैं तो दोबारा आकर के इस बच्चे को साथ लेकर चली गई थी, मैंने सोचा आप साधना कर रहे हो, कोई जंगली जानवर बच्चे ने ना खा जा। तो वाल्मीकि जी कहने लगा बेटा ये मैंने
मैंने ऐसे ऐसे सोचकर इस बच्चे को अपनी सिद्धि से एक बालक और बना दिया, बेटी ये दोनों तेरे ही बालक हैं, दोनों को पाल ले। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ईश्वरीय शक्ति से भक्ति से शक्ति आती है और उससे ऐसे चमत्कार ये साधक ऋषि महर्षि करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं था। अपुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा की शक्ति अपार है। और गोरखनाथ जी मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, फिर गोरखनाथ जी चल पड़े। और गोरखनाथ जी ने कहा था कि उस मच्छंद्रनाथ से कहा था गोरखनाथ जी ने मच्छंद्रनाथ ने कहा था अपने गोरखनाथ से कि तू मेरा यूं जोड़ा ठा लीजिए, जब राजा के शरीर से निकला। तो वहाँ जब वो मच्छंद्रनाथ का शरीर बन गया, मच्छंद्रनाथ अपने शरीर को ग्रहण करके चलने लगा, वो जोड़ा काख में दे लिया थैला, उसमें के था एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट वह काख में दे रहे नू सोना, क्योंकि राज अंश को खा के लाल चीलो भी हो गया। अब गोरखनाथ जी जान गया कि बाबा जी तो बिगड़ गया, गुरु जी तय इब सोने नजे काख में दे रहा है। तो उसने क्या किया कि वो सोने वो थैला एक कुएं पर पानी पीने लगे, वो थैला उसमें जाड़ दिया कुएं में, वो सोना गिर दिया। अब मच्छंद्रनाथ कहने लगा, रहे नकम में तने जुल्म कर दिया, तने तो नाश कर दिया, यो के करा सोना था सोना यो, और इतने रुपया का उतार नो करा और भंडारा करा और एक झोपड़ी गालाओ। अब गोरखनाथ जी ने सोचा है बाबा गुरु जी तक कतिए इसकी तो विवेक खत्म हो गया। अपनी सिद्धि शक्ति से एक पहाड़ी थी छोटी सी और उस पर एक पानी का छींटा मार दिया और वो पूरी पहाड़ी सोने की होगी। अकेले गुरु जी इठाले सारी पहाड़ी को ले चलो। अपुण्यात्माओं, यदि आज वर्तमान में ऐसे सिद्धि वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है, दास की बात ने कोई नहीं सुने, क्योंकि हम तो इन चमत्कार नमस्कार ज़्यादा करते हैं। तो परमात्मा ने इस युग में इस समय में ऐसे सभी कंडम हो लिए, इनकी पिछली भक्ति साधनाएं थी वो सिद्धियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब इनको वो यथार्थ भक्ति मंत्र भी ज्ञान नहीं, सिद्धि प्राप्त करने वाला मंत्र भी इनसे अवॉइड हो लिया, वो भी इनसे समाप्त हो चुका है, वो सिद्धियाँ भी इनके पास नहीं रही। परमेश्वर कबीर जी की लीला है। तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार मुर्दे को जिंदा कर दे, पत पहाड़ का सोना बना दिया, और फिर भी परमात्मा ने कहा मुर्दे कहाँ जिवावता तू भी मुर्दा माही। परमात्मा ने कहा उस गोरखनाथ से, तो ये मुर्दे जीवा के राजी हो रहा, तू भी एक दिन मरेगा, तेरी भी मृत्यु होगी, तेरे शंकर जी मर गए, ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए, तू कहाँ रहेगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से ये समझना है कि कोई ऐसा भी चमत्कार तुम्हें कोई देने वाला मिल जाए और ये मंत्र किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, आप डगमग मत होना। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटबट करने वाले करा कितने भटके मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट हैं, बीजक की बाता कहें बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह के मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है, कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए तो भी व्यर्थ है,
भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरन करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है, श्वास उस श्वास से नाम जपो, वृथा श्वास मत को ना बेराई सांस का फिर आवण होकना, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। सिमरन का कोई समय नहीं है, क्योंकि पहले ये मूर्ख लोग हमें मूर्ख बनाया करते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए, बड़ी साधना होती है, सुबह की साधना का बड़ा लाभ होता है। तो पहले ये इसी टाइप के लोग होते थे कि सुबह पहले हमें कैसे मूर्ख बना रखा था इन साधकों ने, संतों ने, नकलियों ने। एक गांव में क्योंकि साधु संत पिछली भक्ति शक्ति का कोई आ गया, थोड़ी बहुत सिद्धि दिखा दी, उसकी उसकी चर्चा होगी, वहाँ डेरा बना दिया, वहाँ और भी उसके जाने के बाद और भी साधु संत भक्त साधक रहने लगे। और वो क्या करते थे, हमें आप जी को मजदूर बना कर रखते थे। वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम साधु संत की सेवा करा करो, तुम्हें बहुत धन लाभ होगा। अब साधु वहाँ दस एक नगर में एक गांव में एक डेरा बना हुआ था, उसमें 5-7 साधु आते जाते रहते थे, और ग्रामीण जो श्रद्धालु होते थे वो उनकी सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे, 4 महीने चौमासा वहाँ व्यतीत किया करते थे, और गांव के श्रद्धालु लोग भी हमें धन प्राप्त होगा साधु की सेवा से। और ये भी कहा करते थे कि जो ज़्यादा भजन करता है उसकी सेवा करने से ज़्यादा लाभ होता है, ये उनकी धारणा थी। तो वहाँ क्या देखा करते थे, वह ग्रामीण लोगों का अनुभव था कि जो संत सुबह जल्दी उठता है, सवेरे जल्दी उठकर साधना करता है, वो सही भक्त है, उसके पास भक्ति शक्ति ज़्यादा, और उसकी सेवा करेंगे हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो वो क्या करते थे, ये देख लेते थे कि सुबह किस संत की लंगोटी सूख रही है, यानी एक लंगोट बांध कर रहा करते थे, नहाया करते थे और वो सूखा दिया करते थे वृक्षों की टहनियों पर। तो वो आकर पूछते थे जी ये कौन से महाराज की लंगोटी है, वो दूसरे बता देते थे कि उस साधु की है, ये वक़्त से उठे थे, स्नान किया था, हाँ जी हम धो देंगे इसको। वो धोने के बहाने और पूछ लेते थे किस साधु की है, तो उसके चारों तरफ वो सभी उसी की सेवा में लग जाते थे, उसके पैर दबाते, उसकी खातर दूध लेते, अच्छी बढ़िया रोटी बना के लेते। तो वहाँ 8-10 भक्त संत साधु रहते थे, चौमासा बिता रहे थे। तो एक था निर्भाग सा, आलसी सा, और उसने सोचा भाई ये चक्कर है, इस व्यक्ति की, इस साधु की बहुत सेवा करें ये, इसमें के राज है, यू कोई ऐसा न्यारा भगत भी ना दिखता। तो उसको धीरे धीरे पता चला कि इन ग्रामीणों ने, सेवादारों ने के परख रखी है कि जिस संत की लंगोटी सबसे पहले दोही पा जा, सूखती पा जा, उस शहर ने पूछ ले या किसकी है। तो वो उन्होंने एक सेलेक्ट कर रखा था, वो 4 बजे उठा, 3 बजे उठा करता सुबह, और फिर नहा धो के भजन करता था। अब उन्होंने ये तो पता नहीं अंदर भजन करे हैं के करे हैं, बाकी लंगोटी का हिसाब ला रखा था कि सबसे पहले उठा तो नहाया भी, नहाते थे वह तो नहाया है तो ये भजन करता। तो उस वो एक और था अकबैयो, तो ये सारे के सारे इसके पीछे लग गए, बड़ी बात बिगड़ी, हमने कोई पूछता है को ना। वो क्या करता, 1 बजे उठ लेता, उठ के और वह लंगोटी नहाया भी ना करता, लंगोटी भे के और सबसे पहले सुखा देता। तो बाहर 1-2 सेवक रहा करता था, तो उस उन जाकर पूछने लगे कि भी ये फिर दूसरा दोबारा टाइम। तो पहले जो वहाँ एक आधा सेवक रहता था वो बताया करता कि ये लंगोटी सबसे पहले यहाँ सूखी है, सबसे पहले ये नया उठा है। तो ऐसे लगातार 4-5 दिन जब देखा कि ये सबसे पहले लंगोटी सूखा है, तो सारे के सारे श्रद्धालु उस पहले वाले को छोड़कर जो 3 बजे उठकर भजन कराया करता, उस 1 बजे वाले के सेट हो गए, और सारे उसकी मालिश करें, पूजा करें, उसकी खातिर दूध लियावर फल लियावर, और वो और सारे छोड़ दिए। और वो के करें, उस लंगोटी ने सुखा के नहावा भी नहीं, जाडे में कौन नहावा इसे वक्त उठ के, उसने सुखा के अरोड का चादर सो जा भीतर कुटिया में जाके, और उसकी पूजा सब तैयारी शुरू होगी।
तो इन्हें बोला भी करूँगा थरी सीती सी तुमने मूर्ख बना रखा था। तो हम ऐसे बुद्धू बना दिए लोगों ने कि 2 बजे उठो जो बुना भजन हो, अरे भजन तो जब करोगे उसी टाइम हो जाएगा, दिन में करो शाम में करो सुबह करो, पर कर्क सवेरी कसक के साथ करो, लग सच्ची श्रद्धा से करो। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोने का जा, अगर श्रद्धा नहीं है भाव नहीं है भक्ति किसी टाइम करो चाहे ना करो व्यर्थ है, और सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी समय आपका सिमरण आप कर रहे हो वही लेखे में होगा। तो इस प्रकार अपनी साधना सफल करो, किसी के भरमाए तुम भरमो नहीं, क्योंकि दास ये चाहता है कि आपको इस अनमोल ज्ञान दे दूँ, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाओ आप अपने पद से भ्रष्ट ना हो सको, तभी सफल हो पाओगे। बोलो सतगुरु देव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अल्लाह अकबर पूर्ण ब्रह्म जी की असीम कृपा से आज ये चंद पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुई। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नरपावत नाही। परमात्मा ने समय समय पर आकर के अपने अनमोल ज्ञान का प्रचार स्वयं भी किया, अपनी प्यारी आत्माओं को भी समय समय पर भेजकर अपने दृढ़ भक्तों को विशेष पुण्य आत्माओं को यहाँ संसार में भेजा, फिर स्वयं आकर उनको मिले, अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया। उन्होंने भी फिर यही ज्ञान परमात्मा वाला ज्ञान फिर उन्होंने जनसाधारण को बताया। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं भी यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में वो एक ऐसी लीला करते हैं, एक जीवन जनसाधारण की तरह जीकर जनसाधारण की तरह सब कर्म करते हुए वो हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हैं कि एक अच्छे नागरिक का कैसा आचरण होना चाहिए, एक सुयोग्य शिष्य का कैसा बर्ताव और व्यवहार होना चाहिए, और एक तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए, उसको कैसा ज्ञान होना चाहिए। सतगुरु भी वह स्वयं थे, जगत गुरु भी वह स्वयं थे, हैं और रहेंगे, वो परमेश्वर भी स्वयं हैं, परंतु हम अज्ञान के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके, जिस कारण से अब हम अभी तक यहाँ भ्रम भटक रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने ही सर्व सृष्टि को ज्ञान दिया है जो यथार्थ ज्ञान है। किसी भी संत या पंथ की कोई पुस्तक आप देख लीजिए या उनके प्रवचन सुन लीजिए, परमात्मा कबीर जी की अमृतवाणी का सहयोग वो अवश्य लेते हैं, क्योंकि इस परमेश्वर की अमर ज्ञान बिना उनका थोड़ा बहुत जो वो जैसा जानते हैं वो भी प्रभावशाली नहीं बन पाता, क्योंकि परमात्मा की अमर वाणी में बहुत पावर है, शक्ति है, ये आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है। आत्मा को यहाँ इस जीव को कालबलि ने अपने तीनों पुत्रों के द्वारा बेहोश करवा रखा है, ये वास्तविकता से अपरिचित हो चुका है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जीव के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला गया है, और ये प्राणी केवल यहीं तक सीमित हो गया है कि जैसे मानव शरीर मिला, युवा हुए, ब्याह हुआ, शादी हुई, फिर बालक हो गए, फिर उन बच्चों की परवरिश कर दी, उनकी विवाह शादी कर दी, और फिर मृत्यु होगी। इसी क्रिया को, इसी कार्य को अंतिम रूप दे रखा था। उस परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान कराया कि तुम केवल इस कार्य के लिए नहीं आए हो, ये तो तुम्हारा संस्कार है, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको तो तुमने जैसे तैसे करना ही है। इसके साथ साथ आप जी ने एक आवश्यक कार्य और करना था, जो मानव शरीर का मूल कार्य है, वो तुमने शुरू भी नहीं किया, प्रारंभ भी नहीं किया।
उसके लिए परमात्मा अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहो बजाए, ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। कबीरा नौबत आपनी, जिसका जैसा भी संयोग है, जैसा संस्कार है, जैसा प्रारब्ध है, ये दस दिन के लिए आपका बना हुआ, दस दिन में यानी कुछ ही समय के लिए। आप जी ये सोचते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन 80-90 वर्ष तो होता ही है, आज तो 80 और 90 के दौर में पहुंच चुके हैं जो व्यक्ति, जो बहन भाई माई बुजुर्ग, उनसे पूछकर देखो, उनको ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन एक क्षण में व्यतीत हो गया हो। 80-90 वर्ष उनको ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी, सारा इतिहास उनके सामने आ जाता है, और हजार हजार वर्ष तक भी यहाँ पृथ्वी पर रहकर चले गए, उनका भी जीवन अंत हो गया, उनको भी ऐसा लगा जैसे कल की बात थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, नौ कबीरा नौबत आपनी दस दिन लो बजाए, और ये परपटन ये गली बहुर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती मंगल बनते बार, एक हरि के नाम बिन वो गए जन्म सभार। राजाओं के विषय बता रहे हैं परमात्मा के, जिनके बाजे बाजा करते थे। आप देखते हो गवर्नर हाउस में और राष्ट्रपति हाउस में एक ऐसा कक्ष, ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ अब तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज हो गया, अपने आप बाजे बजते रहते हैं। पहले नौकर सेवकों की ड्यूटी लगाया करते थे, वो बाजे बजाते रहते थे, उसमें नौबत बाजती ही रहती थी, वो राष्ट्रपति हाउस में और गवर्नर हाउस के अंदर ऐसा व्यवस्था होती है। तो परमात्मा कहते हैं राजा लोग जिनके नौबत बाजा करती थी और हाथी द्वार पर बांधा करते थे, हाथी रखते थे जो राजा लोग, अपने ये शोभा दिखाते थे कि इस राजा के पास 100 हाथी है, यानी एक हाथी को रखना कोई हंसी खेल नहीं है, उसकी खुराक इतनी है। राजा कहते हैं 100-100 हाथी, 200-200 हाथी रखे हुए हैं, तो वो अपनी शोभा दिखाते थे कि उस राजा के पास इतनी हाथी है, वो अपने किले के बाहर बांधते थे। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंधते बार, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। परमात्मा की भक्ति के बिना अपना जीवन नष्ट करके चले गए। पूर्व जन्म के संस्कार से व्यक्ति राजा बनता है या धनी बनता है, सेठ बनता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, और सतभक्ति ना करने से वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाता है। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते रागे, ते मंदिर खाली पड़े इब बसन लागे कागे। जहां पर वो राजा लोग रहा करते थे, मस्ती मारा करते थे, उन नाच गाने सुना करते थे, भक्ति की नहीं। कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक ना डाले को। माटी लदे कुम्हार के फिर घास ना डाले कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब, रसब मन गधा, राजा रसब हो और मिट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। यहाँ बताते हैं सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, और ते मंदिर वे महल इब खाली पड़े, उनमें बैठन लगे काग, यानी कोई नहीं रहा, सब चले गए अपना कर्म क्रियाना बेच के। कबीर थोड़ा जीवन आये मांडे बहुत मंडाण, सभी उबा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछोए, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों ना होए। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार।
कबीर ऊंची दिस धोले रहा मांडी चीती पोले, एक हरी के नाम बिना यो जम्मा रहेगा रोले। कितनी प्यारी वाणी, कितनी आत्मा को झंझेड़ने वाली वाणी परमात्मा कबीर जी की है। ये वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो आत्मा को सचेत करती है। इसके सुनने से ये तीनों गुणों का प्रभाव हट जाता है और फिर रुचि बनती है परमात्मा में। क्या बताते हैं, ऊंची ऊंचा दिस से धौलरा और मंडी चीती पोले। क्या आपने मकान के ऊपर बढ़िया चित्रकारी कर रखी है, अच्छा संगमरमर ला रखा है, टाइल लगा रखी हैं। परमात्मा कहें भक्ति ना करीता, यो काल तुम्हारी रोल मार रहा है। रोल मारना मीन आपको मूर्ख बना रहा है, आपको भ्रमित करके ठग रहा है। ऊंचा दिस धौलरा मांडी चीती पोल, एक हरी के नाम बिना यो जम मारेंगे रोल। कबीर देवल ढह पड़ा ईंट बही संग सवार, कोई चेजारा चिन गया मिला न दूजी बार। कबीरा देवल ढह पड़ा ईंट रही सवार, कर चेजारा से प्रीतड़ी जो ढह न दूजी बार। कहा चुना वे मैडिया चुना माटी लाए, ये मीच चुनेगी पापनी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं कहां तुम इन कोठी बनाने में लगे रहते हो। परमात्मा की भक्ति भी करो, मालिक ने याद करो, और मीच चुनेगी पापनी और दौड़ कलेगी आए, ये तुझे या मौत अचानक उठा ले जाएगी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रोहतक के अंदर छोटू राम चौक के पास, उसके साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट बनाने लग रहा था। पुराने मकान को वहां तोड़ ताड़ के मोल लेके, कहते हैं वो आदिक बनी थी और शाम के समय मजदूरों को उनकी दिहाड़ी देकर मेहनताना दे करके वो स्नान करने लगा। गर्मियों के दिन थे, वहीं तराई के लिए टूटी ला रखी थी उसको, उसमें नहाने लग गया नहा के, और उसने कपड़े भी पूरे नीट चेंज किए थे, धोती धोती बांधी थी। और मजदूर वहीं अपने पैसे गिन रहे थे और वहीं उसकी टिकट कट की, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी कितनी आशा थी, इसमें मार्केट बनाऊंगा, एक एक दुकान के 10-10 हज़ार रुपये महीने की किराया मिलेगा, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो परमात्मा कहें यो काल रोल मार रहा थरी, ये तुम्हें धोखे में रखा हुआ है, जो काम तुमने करना था वो तुम कर नहीं रहे। उसके लिए परमात्मा रह रह कर ये आवाज़ लगाते हैं, ये वाणी और सत्संग की व्यवस्था करवाते हैं ताकि ये बोली आत्मा भगवान को पहचान सके। कहा चुना वे मैडिया ये चुना माटी लाए, मीच चुनेगी पापनी दौड़ कलेगी आए। कहा चुना वे मैडिया ये लंबी भीत उसारे, घर तो साढ़े तीन हाथ भाई घना तपोने चार। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि घर तो साढ़े तीन हाथ और ज्यादा चाहता है तो पौने चार। एक व्यक्ति का अपना जो शरीर होता है वो साढ़े तीन हाथ का होता है। एक व्यक्ति का अपना शरीर, उसके अपने ये हाथ यहाँ कोने से लेकर पूरी उंगलियों का एंड तक, इतनी मेजरमेंट जो है ये एक हाथ कहलाता है, और साढ़े तीन हाथ का शरीर होता है। तो परमात्मा कहते हैं गर्ता साढ़े तीन हाथ
और घना तो पौने चार है, और घना करे तो एक फुट और बढ़ा ले बस, यानी एक चारपाई पर सोना है और अपने एक हाथ के बराबर ही इंसान की चौड़ाई होती है। तो यह एवरेज निकाल के दी है। कहने का भाव यह है कि कम से कम व्यवस्था करके अपने रहने की, आपदाओं से बचने की, मालिक याद गणा कराया करो, परमात्मा में ज़्यादा समय लगाओ। या माया जोड़न के अंदर दिन रात लगे रहते हो, हमने अपने अपना जाल फंसने के लिए काल के जाल में आप पर बुन लिया मकड़ी के साथ जाला, और इस काल ने करवा दिया सारा काम। अब पुण्यात्माओं, जैसे मकान बनाते हैं, मकान इतना बनाओ आपका काम चल जाए, बेमतलब पैसे को बर्बाद करना। फिर वो पैसा आता कैसे है पता नहीं, कहाँ कहाँ के अटकलबाजी, कोई चोरी की तरह ठगी की कहीं पर मिलावट या कोई और झूठ कपट अटपट करके माया जोड़ी जाती है। और फिर वो कहाँ लगाता है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो मकान बनाओगा, मकान भी न सोचेगा कि आसपास के क्षेत्र में तेरे इस कॉलोनी में एक नंबर का हो, दुनिया ने देखे कि उसकी बहुत बढ़िया कोठी है। फिर क्या करता है कि जैसे बच्चों का विवाह करते हैं, फिर उसमें वो पैसा बेमतलब व्यर्थ करते हैं। अपुण्यात्माओं, बच्चों का ब्याह होना है, उसको कति सिंपल साधारण तरीके से करना चाहिए। उसको कितनी बकवादों पर ले गए हम, कितने डीजे बजान लाग गए, फिर नाचे सारा परिवार कंजरा की तरह बाहर खड़ा हुआ गली में, बाण भी, बेटी भी, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सारे जुलूस काटने। काल का तो ये उद्देश्य है कि इनको इतना निर्लज कर दूं और इतने कुबज में बांट दूं कि ये भगवान की तरफ झाँकें को नहीं। खूब पैसा लगाते हैं, कोई शराब पिलाते हैं और बेमतलब के आइटम, और वो दहेज रूप में देते हैं। अब एक पैसे वाला तो ये काम कर देता है, उसके पास तो पैसा है, लेकिन गरीब व्यक्ति जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तो उसकी बेटी धीरे धीरे अपनी माँ के पास बैठकर कहती है, देखा ना मम्मी, उसने अपनी बेटी को ऐसा दे दिया, उसने कार दे दी, उसने इतने बढ़िया पलंग ला के दिए, एक बढ़िया ऐसी वो ला के दी। तो माता समझ जाती है कि बेटी की उत्सुकता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ लेकर जाऊं। वो फिर अपने पति से कहती है, लड़की के पिता से कहती है कि ऐसे ऐसे बेटी का कह रही थी कि उसने ऐसा दिया, उसने ऐसा दिया। तो फिर वो पिता दुख सुख पा के कहीं से कर्ज उठा कर न्यू सोचा मेरी बेटी की आत्मा दुख ना पावे और मैं भी कुछ अच्छे आइटम दे दूं, और फिर कर्जा हो जा। अपुण्यात्माओं, एक विशेष बात ध्यान रखा करो, क्योंकि हम सत्संग में आते हैं तो इसका असर भी होना चाहिए। ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़न की है। बेटी का ब्याह लाख रुपया ला दे तब भी ब्याह होना है, और भाई 10-20 हज़ार में काम चला दे वो भी ब्याह ही होना है। विवाह ही करना है हमने, इन बकवादों को छोड़ के सिंपल से डंगते अपना बच्चों को की शादी कर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि जैसे बारात आती है, निरा ये वनस्पति घी वो भी डुप्लीकेट घटिया से घटिया लाते हैं, और लड्डू जलेबी बर्फी आइटम मिठाई बनाते हैं, खाने वाला भी बीमार और बेमतलब व्यर्थ होता है वो पैसा। तो इसलिए हमने बहुत सिंपल वे से बच्चों का ब्याह करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी आधी टेंशन मिटेगी। अब पहले जैसे लड़की युवा हो जाती है तो माता पिता की नींद हराम हो जाती है, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बेटी ब्याहेंगे,
और फिर मान लीजिए वो लड़की का ब्याह कर भी दिया और कुछ सामान आपने दे दिया दहेज का, वो जाती है वहाँ क्या देखती है कि उसकी जेठानी उससे कुछ ज़्यादा आइटम ला रखे हों दहेज में, तो फिर उस परिवार वाले रह रह कर टोकते हैं, देख या बड़े वाली तो इतना लाई थी, उसने इतना लाई, देखियो कितना सामान लाई। चाहे यूँ भी ना कहें कि तू कुछ ना लाई, तो भी वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। तो इस काल का उद्देश्य ये है कि इनको चैन दिन रात ना हो, ये भगवान भक्ति करें नहीं, आपस में ऐसे जल भुन कर ये अपना जीवन व्यर्थ कर जाए। पुण्यात्माओं कुछ सोच के हमने स्टेप उठाने पड़ेंगे। समाज में कुरीतियाँ बहुत घनी होगी, विकार बहुत ज़्यादा आगे हैं, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करना है। अब यहाँ हम शादी कराते हैं परमात्मा को साक्षी करके, परमेश्वर की वाणी के माध्यम से। पांच चार भक्त आ जाते हैं, दोनों बच्चों का सहयोग जोड़ देते हैं, यहीं खाना खाते हैं जैसा भी भंडार में बना हुआ होता है, और अब अपने घर चले जाते हैं। विवाह ही करना है, विवाह ही कराना है। संयोग तो परमात्मा ने जोड़े रखे थे, उन बच्चों के संस्कार पहले ही जोड़ रखे थे। आमतौर सूखी ड्रामाबाजी करके उनको और कहर बना लेते अपने ऊपर, खर्चे बढ़ा बढ़ा कर। तो इस प्रकार हमने इसको बहुत ही ऐसा साधारण सा बनाना है जिससे हमारे ऊपर बेटी बोझ ना बने। अब कैसा जुल्म हो रहा था, पीछे बेटियों को गर्भ में मरवाने लगे थे, गर्भ के अंदर ही मरवा देते थे। कारण यही था कि दहेज, और ये लोग इसे भेड़िया हो गए थे। एक गांव में बताते हैं कि एक लड़के की प्रथम शादी हुई, वो फौज में लग गया, तो अच्छा धन दिया उसने अपनी बेटी को, बेटी वाले ने, तो कहते हैं उस लड़की को कुछ दिनों के बाद उस परिवार ने मार दिया। फिर 6 महीने के बाद दूसरी शादी होगी, तो 1 साल के बाद उसको भी खत्म कर दिया, इतनी विवश कर दी कि वो फांसी खा गई। अब फिर तीसरी शादी हुई, तीसरी शादी में भी उन्होंने ऐसा ही जुल्म किया, तो तीसरी वाले ने फिर क्या किया, पुलिस की हेल्प ली। पहले ये कानून नहीं बना था, तो उसने अपना पुलिस की हेल्प ली, कोई जानकार था उसका, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी, और कुछ गांव वालों की हेल्प लेकर वो गांव में गया और अपनी लड़की का सारा सामान उठा ले गया, उसके ऊपर केस कैस किया। उसके बाद उस लड़के का पता चल गया कि इन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किया। तो पुण्यात्माओं, ये लोग भेड़िए हो गए थे दहेज के चक्कर में, तो हम अपने पैर पर आपको वाड़ा मारते हैं, हमने इसको इतना बाउंडर बना लिया। अब जैसे क्या करते हैं, दहेज में एक और बीमारी है कि जैसे लड़की जहाँ जाएगी उनको अगली बोलते हैं, और उन अगलियाँ के फिर और अगले, यानी कहीं और रिश्तेदारियों की, उन सब के कपड़े सूट आदि लेकर के यहाँ लड़की ने जाने पड़ते हैं, यानी बहू को लेके आने पड़ते हैं उन अगलों के लिए। फिर क्या करते हैं, वो फॉर्मेलिटी करते हैं कि अगलियाँ की कितनी कपड़े बनेंगे, कितने सूट, अगलियाँ के 20, तो उन 20 के लिए कपड़ा ऐसा घटिया सा लाकर सेलेक्ट करके वो कितना काम नावर 20 आइटम बना देते हैं। और उनको क्या करते थे, वो पहले जहाँ आगे लड़की लेके जाती थी अपने ससुराल में, ससुराल वाले उन अगलियाँ वाली को अलग रखते थे, उन उस कपड़े को वो फिर अपनी बेटी नगलियाँ के दे देते थे। वो तील कदे प्रयोग में नहीं आते थे, वह सूट आगे से आगे उस चक्कर में वो पट्टे जाते गड़ जाते रखे रखे उन ट्रंकों में। ऐसी बुराइयाँ हमने अपने आप लगा लिए, कुरीतियाँ हैं ये भी साथ के साथ हमने अब समाप्त करनी है ज्ञान के साथ। वैसे कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने आत्माओं ऐसे ऐसे उदाहरण मेरे बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा ऐसा समझने लगे इस ज्ञान को, इस मार्ग को, और इन बुराइयों से ऐसे बचने लगे कि अब लड़कियों का ब्याह कराया हमने तो लड़के वाले ने स्पष्ट कह दिया उस लड़की वाले से कि हमारे घर पर कुछ लेकर नहीं आओगी, ना ट्रंक ना कोई और, एक सूट पैर का जी ये बस अपना, अगर आपने ये मंजूर है तो हम शादी करेंगे, लड़के वाले बोलते। दोनों ही भगत थे, तो फिर लड़की वाले ने क्या चिंता थी, भाई ठीक है जैसे आपकी इच्छा। हम चाहते थे कि जैसे लड़की का हक है, यहाँ रही है, उसकी यहाँ संपत्ति में भी हिस्सा है, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो
तो हम चाहते थे 10-5 हज़ार का कुछ तुम्हें कपड़ा उपड़ा दे देते, और वो भी मना कर दिया। तो ऐसे ही दूसरी लड़की, यहीं वो भक्त सेवा करता है, कृष्ण भक्त करछोड़े थे, उनकी दो लड़कियों की शादी हुई, और दोनों ही लड़के वाले इतने भगवान, उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप उन लड़कियों के लिए ट्रंक, जो उन्हें अलमारी चाहिए, कोई बेड आप मोल लाए। पुण्यात्माओं, लड़की एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होती है, कन्या कहते हैं इसको, और ये बेचारी अपने पिता के धंधा करती है सारा दिन, और आगे जाके फिर अगले के कमाया करे। तो लड़की को हमने एक बोझ बना लिया था अपने सिर पे। अब ये लड़की चाहे कितनी हो जाइयो, हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा, और फिर हमारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि लड़की का विवाह जहाँ किया जाता है वो भक्त भी दयालु होते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। तो अन्य समाज में जो शादी करने से पहले यह चिंता हो जाती है कि बच्ची के ना सलूक कैसा करेंगे वो ससुराल वाले। 10वें दिन फोन आ जाता है लड़की का कि सासू ने बोली, ससुरा ने बोला, और ननंद या बकवाद कर रही है। और भक्तों में जब शादी हो जाएगी, अगर वो भक्त होंगे, उनमें दया होती है, वो कोई इस प्रकार की टॉर्चर उस लड़की के साथ नहीं करते। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आपका भी जीवन सफल होगा, और बेटी जिसने ब्याह दी, वो माता पिता भी अपना सुख का सांस लेते हैं। इस प्रकार हमने इस भक्ति के साथ साथ इस बोझ को हल्का कर लेंगे, फिर हमने 20% दौड़ धूप करनी पड़ेगी पेट के लिए। अब हम 99% पेट के लिए धक्के खाते फिरते, फिर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ बकवाद घड़ी लगा ली। ब्याह शादी में कार लेंगे, कार देवांगे, फलान देवांगे, फिर कोठी बड्डी गाड़ांगे, फिर बात बना लिया ऐसा जुगाड़। अपने आत्माओं, इस बात की हमने कति आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी, और हमने उनको भगवान का सहारा दिलाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, फिर वो परमात्मा की भक्ति से ही शक्ति उनमें आएगी, उनके गुजारे बढ़िया होंगे। ना किस्मत में होगा तो भी कबीर परमात्मा अपने उन बच्चों को सुख देगा, भक्त धन देगा। तो हमने ये भात की रिवाज बना रखी है। अब क्या करते हैं, जैसे बाती जाते हैं उस दिन क्या करते हैं, उनके लिए वहाँ गेट के ऊपर एक चौकी बनाई जाती है, पाटड़ा, और आगे फिर उसके चित्रकारी ही करते हैं, और तिलक लगाओगे बातियाँ गए, फिर उनका माला डालेंगे, वो बहन का माला डालेगा। तो इस तरह के जो ड्रामाबाजी है, क्यों शुरू हुई, लालच और लोभ में। अब ससुराल वाले उस लड़की को कहते हैं कि तेरे भाइयों की बढ़िया सेवा करिए, या अच्छा धन देंगे, अच्छा बात भरेंगे। मान लिए उन्हें 1,500 रुपये दे दिए बात में, कि सारी उम्र का काम हो गया वो, तो ये उन पर भी बोझ। अच्छा, फिर कपड़े, जैसे शादी होती है हम देखा करते तो सबके नए कपड़े बनवाया करते, रिश्तेदार आ जाते, बहन बेटियां आ जाती, अपने घर वाले के भी, यानी ब्याह वो जो लड़का लड़की का संयोग जोड़ने में जो खर्चा थोड़ा होया करता, ये बाकी ड्रामाबाजी में विघ्न हो जाया करता। तो हमने इन सब को, जैसे हम भात में जाते हैं और हम अपनी पूजा कराते हैं, तिलक आदि लगवाते हैं, ये नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं। अगर हम भक्ति पर लगे हुए हैं और हम दूसरे से अपनी पूजा कराते हैं, तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आपका नाम खंड हो जाएगा। हमने यहाँ अपना टाइम पास करना है, और जैसे आपकी बेटी आप ब्याह दी आपने, और किसी कारण से उन बच्चों ने कोई कार्य करना है, मान लीजिए वो कोई दुकान करना चाहते हैं, या कोई और व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपसे आते हैं, तो उनको एज ए लोन दो, एज ए लोन दो, उधार दो, बगैर किसी इंटरेस्ट के उनकी मदद करना चाहो तो ऐसे करो, और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का आदि बनाओ। बेटा भगवान ने याद रखो, और अपनी तुम धंधा करो, और तुम्हारे पैसे हो जाए जब दे देना, दबाव नहीं तुम्हारे पर। अगर मदद करना चाहते हो इस तरीके से करो, बहन को करो, अपनी बेटी को करो, या कोई और रिलेटिव है उसको करो, ऐसे करो।
तो इस तरह फिर क्या होगा कि आपके ना तो उन बच्चों पर वजन होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना वो सीखेंगे, और कम से कम खर्च करने की चेष्टा करो। इसलिए हम इस माया की दौड़ धूप में जो 99% समय व्यर्थ करते हैं, 99 का अर्थ है कि जैसे दिन में जोड़ तोड़ गया, सपने फिर उसे आवेंगे, रात को भी वही टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यदि हम भक्ति ज़्यादा करेंगे, सत्संग ज़्यादा सुनेंगे, तो सपने भी हमने भगवान की वाणी याद आया करेगी, स्वप्न में परमात्मा की चर्चा होगी या सिमरन शुरू हो जाया करेगा, तो हमारा ज़्यादा समय फिर भगवान की भक्ति में लगा करेगा, हमारे वजन हल्का हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध गाती हैं। किस लिए बांधती हैं कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो अपने पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधन, इकलौता भाई था, और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, एक घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तो भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए, अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे, क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले लें। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी, तो औरों को भी समझाती है कि विवेकती गुरु जी जो कहे साची बात है, मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया मुझे, भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के थे। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए, हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्यौहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्यौहार है, और ये महीने में दो दो बार होता है, तीन तीन दिन का होता है, ये त्यौहार मनाओ। बाकी त्यौहार क्या है, जैसे हम दिवाली मनाते थे, उसका उद्देश्य क्या था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को, रावण को मारकर घर ले आए, खुशी मनाई, और जब सीता गर्भवती निकाल दी करते वो दुख ना मनाते। तो जब सीता जी गर्भवती थी, घर से निकाल दी, वो जब वह सीता सारा जीवन बाहर जंगल में ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया, उसके बाद तुमने दुख ना मनाया। तो ये इस तरह की जो कहानियाँ, ये त्यौहार हम बनाने शुरू किए, इनकी हमें आवश्यकता नहीं। अब होली क्या है, होली किस लिए मनाते हैं कि भगवान ने प्रह्लाद भगत की उस दिन रक्षा की थी, फिर प्रतिवर्ष वो लाकड़ी फूकते हैं, होली मनाते हैं, क्या फिर रक्षा हो जाएगी आपकी। परमात्मा रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे प्रह्लाद भगत ने भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से की थी। पिता भी मना करे था या भक्ति छोड़ दे, लेकिन अंश ने छोड़ी नहीं कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, मार्ग यही सही है, परमात्मा ही हमारा दुख निवारण कर सकता है। इसी बात पर पिता पुत्र की बात बिगड़ गई, लेकिन प्रह्लाद भक्त बीज था, उल्टा नहीं हटा और अंत में विजयी हुआ। ऐसे ही आप जी ने ये भक्ति मार्ग मिल गया जो प्रह्लाद के पास था, वो आपको मिल गई भक्ति। इस साधना को करो और मर्यादा में रहो, आपकी भी ऐसी रक्षा करेगा और कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण आपको दिखा दें जहाँ परमात्मा ने रह रहकर रक्षा की है, पल पल पर रक्षा की है। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये इस तरह के जो हमारे अपने आप हमने मकड़ी वाला जाला पूर के इस मापा फंस बैठे, इसको हल्का करो, इस तरह की ड्रामाबाजी बंद करो, और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये कभी भी नहीं छूना चाहिए, ये नर मनुष्य का आहार नहीं था, ये तो मनुष्य जो है ना पशु बना देता है। शराब जो है
तम्बाकू है, कोई भी जो चीज़ है नशा करती है, और तम्बाकू का प्रयोग तो बहुत बुरा बताया है। शराब पीना महादोष है, परस्त्री गमन दुराचार ये महाअपराध हैं, इस जीव के लिए हानिकारक हैं। रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, ये इस तरह की जो बकवाद हमने लगाई इनको हटाना है, क्योंकि जिस कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात और भांग तमाखू छोतरा, ये तो उत्तर जा प्रभात है। यानी जो शराबबाजी का नशा करते हो, भांग का करते हो, या भूखी सुल्फा पीते हो, ये नशा तो कहते हैं सुबेरे समाप्त हो जाएगा, और भगवान की भक्ति का जो अमल है ये नशा करके देखो। नाम खुमारी नानका, नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है, परमात्मा के बिना में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये संसार आसार नजर आ जाएगा कुछ दिनों में आपको, क्योंकि आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ काम करने लग जाएंगी। जैसे ये शरीर क्या है, इसमें हार्ड मांस और रक्त, बिष्टा, पेशाब, बलगम, गंध, ये लपेट के इसके अंदर भरकर ऊपर ये चाम लपेट रखे है, इसके ऊपर 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 इसने जरा सा खुर्च कर देख लो अंदर के क्या कुबाड़ भरा है इसमें, ये पालस कर रखी है, हमें मूर्ख बना रखे। आपको कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, और उसकी आते इतने लंबे दूर तक पड़ी और वो चाम सड़क के चिपक जाता है, गोप टट्टी कहीं निकल कर पड़ी हुई है, तो पुण्यात्माओं यही जुगाड़ आप जी के शरीर में है। और हम इस काल ने हमारे को यहाँ इतना मूर्ख बना रखा है कि हम इसी शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, इसके ऊपर हर तरह से श्रृंगार करण में, फंड करण में। परमात्मा की भक्ति अगर इस मिट्टी तक कर ली तो यह मिट्टी सफल है, अन्यथा इस मिट्टी का कोई यूज नहीं। कहते हैं पशु के चाम की पातन बन जा, पातन कहते हैं जूतों को, और नौबत और नंगाड़ा, यानी पशु के चाम का ये बाजा बजाने के ढोलक ढालक भी बन जाते हैं, लेकिन नरदे ही किसे काम ना आवे, जलबज हो जा छारा, या मनुष्य का चाम तो ये भी काम ना आवे, इतना घटिया है ये शरीर, यदि इससे परमात्मा की भक्ति नहीं की। परमात्मा की भक्ति भी सतनाम से, सच्चे नाम से, पूर्ण संत से उपदेश लेकर की जाए, तब इसकी सफलता है। तो कुछ दिनों के बाद आपको यह संसार बिल्कुल असार नजर आने लग जाएगा, आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ खुल जाएगी। ये मिट्टी जो हमें मिली है, ये मनुष्य शरीर, ये सस्ता नहीं है। यदि इससे भक्ति की जाती है तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसका एक श्वास कितना कीमती है, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और सांस जो खाली जात है तीन लोग का मोल। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।